हेलो मित्रों, जय माता दी। माता रानी के कृपा से आप सभी को फिर से इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इस वीडियो आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए हैं, जो कि चार दिन के बारे में बताएंगे कि आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए कैसा होगा ये चार दिन, किन चीज़ों से होंगे बड़े बड़े परिवर्तन, किन चीज़ों से होंगे बड़े बड़े लाभ, बड़े बड़े खुशियाँ। ये चार दिन के अंदर ही आप सभी के लिए कैसा सहयोग बन रहा है, कैसे शुभ सहयोग के निर्माण होंगे, किन चीज़ों से खुशहाली आप सभी के जीवन में आएंगी, किन चीज़ों से बड़े परिवर्तन दिखेंगे, बड़े लाभ दिखेंगे, आप सभी के जीवन में अपरंपार खुशियाँ आएंगी, कैसे होंगे चमत्कार, कैसे होंगे लाभ, संपूर्ण बातें आज इस वीडियो में लेकर आ चुके हैं, जो कि बताएंगे ये चार दिन के अंदर आपके लिए व्यापार, व्यवसाय, करियर, लव लाइफ, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा तथा माता लक्ष्मी जी की कृपा से आप सभी के जीवन में कौन सा वह बड़ी खुशखबरी की प्राप्त हो सकते हैं, आपका लकी नंबर, लकी कलर, ये चार दिन का अंतराल क्या होंगे, आपके जीवन में किस प्रकार से लाभकारी योजनाओं को बनाना आप सभी के लिए किस प्रकार शुभ और बेहतर होंगे, आपको बताएंगे आज आपको कौन सा वह महत्वपूर्ण काम काजों को अंतिम रूप तक देना होगा और किस प्रकार आपके जीवन में समस्याओं को दूर भगाया जा सकता है, आपकी आर्थिक तंगियां भी किस प्रकार खत्म हो सकती हैं, किस प्रकार विशेष बड़ी खुशखबरी की प्राप्त हो सकते हैं, आपको बताएंगे इस वीडियो में आप सभी कन्या राशि वाले जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण एंड बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जो कि ऐसे में इस वीडियो को पूरा से पूरा आप सभी को देखना होगा ताकि आपके जीवन में चली आ रही परेशानियों से आपको छुटकारा मिल सकेंगे। उनके साथ परिस्थितियों में जो भी विक्रम हो, विलंब हो, सभी चार आप सभी के बनते चले जाएंगे, हर मनोकामनाएं आप सभी की पूर्ण हो जाएंगी। आज के दिन इस वीडियो को देखने के बाद ये चार दिन आपको बन जाएगा, आप सभी को हर एक मन की मुरादों पूरी करने में आपको सफलता मिल सकती है। आपको आज की इस वीडियो में ही संपूर्ण बातें बताना चाहेंगे, तो वीडियो के अंत तक आप सभी बने रहें। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, माता रानी के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। तो आज के दिन आप सभी के लिए बेहद खास दिन होगा। इस चार दिन में चतुर्थ भाव पर राहु बुध की दृष्टि होने के कारण आपके अतीत में कई गलत फैसले आपके लिए मानसिक अशांति, घरेलू क्लेश की वजह बन सकते हैं। ऐसे में जितना संभव हो सकता है घर वालों के साथ बैठकर हर एक समस्याओं को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास करें, अन्यथा वाद में बात के बिगड़ने पर स्वयं को अलग अकेला पा सकते हैं। सही गलत का निर्णय लेने में खुद को असमर्थ महसूस कर सकते हैं। यदि शादीशुदा जीवन है, शादीशुदा है, तो दाम्पत्य जातक को ये चार दिन शुरुआत से ही अपने संतान का विशेष ध्यान देने की जरूरत हो सलाह दी जाती है, क्योंकि आशंका है कि उनकी खराब सेहत के चलते आपको उनके साथ काफ़ी समय, काफ़ी पैसा खर्च करना पड़ जाएगा। इनसे आने वाले समय में आपकी आर्थिक स्थिति खराब होने के योग बन सकते हैं। चंद्रमा के अष्टम भाव में गोचर के साथ हुई वह जातक छात्र जो भी घर से दूर रहते हैं, उन्हें ये चार दिन अकेलेपन का एहसास बहुत ही परेशान कर सकता है। इस दौरान आप खुद को बेहद अकेला पा सकते हैं, जिनसे आप अजीब सी जकड़न सा महसूस कर सकते हैं। ऐसे में ये चार दिन अकेलापन को खुद कर काबू न करने देने हो और समय मिलने पर कहीं बाहर जाकर कोई दोस्तों के साथ समय बिताना है। इस चार दिन घर परिवार में चले आ रहे कोई भी मास रहा आपके करियर को बाधित कर सकता है, क्योंकि उनसे आपकी ऊर्जाओं में कमी देखी जा सकती है, जिस पर आपको समय रहते नियंत्रण रखते हुए उसे सुधार करने की सलाह दी जाती है। ये चार दिन आपको शिक्षाओं के क्षेत्र में सफलता अर्जित करने के लिए आप अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबंध में होने की सबसे अधिक जागरूकताएं पड़ सकते हैं। ऐसे में अपने संगति में सुधार करते हुए उन लोगों को आपसे उनसे दूर कर दीजिए जो कि आपके साथ साथ आपको गलत चीज़ों की आदत डाल रहे हैं, क्योंकि इसका नकारात्मक प्रभाव आपको भले ही आपको नजर नहीं आते हैं, लेकिन बाद में आपको इसके कारण आपको जीवन में बहुत ही दुष्प्रभाव उठाने पड़ सकते हैं। शनिवार के दिन आपको मंदिर जाना है और किसी जरूरतमंद को भोजन में भोजन और पानी देना है, जिनसे जीवन में आपको कई प्रकार के कष्ट से, बाधाओं से मुक्ति मिलेंगी। ये चार दिन जो है आपको अपने अच्छी सेहत का उत्तम लाभ उठाने के लिए अपने अतिरिक्त ऊर्जाओं का सकारात्मक उपयोग करना हो सकता है। अन्यथा आप अपने इस ऊर्जाओं को गलत में इस्तेमाल करते हुए इसकी बर्बादी भी कर सकते हैं, इसलिए आपके लिए अच्छा होगा कि आप अपने दोस्तों और घर से लोगों के साथ भी समय बिताते हुए उनके साथ अच्छा खेल खेल सकते हैं, अपने ऊर्जाओं का सदुपयोग कर सकते हैं। ये चार दिन राहु के साथ नवम भाव में बुध का गोचर के प्रभाव से आपको अपने व्यस्त जीवन में कुछ सकुन भरे प्लस के आपको तलाश करते हुए घूमने फिरने से पैसे खर्च करने से मूड में हो सकते हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार के धन को खर्च करते समय विशेष सावधानी रखनी पड़ सकती है, क्योंकि संभव है कि समय
आपको पास करते करते समय सुकून तो मिल पाएंगे, लेकिन परंतु बाद में आपको इस कार्य के लिए पछताना भी पड़ सकता है। यदि आपके परिवार में किसी शादी का हल भी आप सभी का हुआ है तो आपको नए मेहमान के आने की खुशखबरी ये चार दिन के दौरान मिल सकते हैं। उनसे पारिवारिक वातावरण में संक्रात्मकताओं देखे जा सकते हैं, खुशखबरी भी बड़े बड़े प्रसन्नताओं देने में भी इस कार्य कर सकते हैं, विशेष कार्यगार सिद्ध हो सकते हैं। आपका मानसिक तनाव घर के सुखद वातावरण के कारण दूर होता प्रतीक हो सकता है। ये चार दिन ग्रह के चर्चे इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आपको इस अवधि के दौरान आपके भाई बहनों अपने रिश्तेदारों को सहकर्मियों के साथ अच्छे संबंध में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं, जिसका प्रभाव आपको मन मस्तिष्क पर नकारात्मकताओं को लेकर आ सकता है। करियर में आगे बढ़ने के लिए किसी भी योजनाओं को सोचने में असफल रह सकते हैं। आपकी राशि के जातकों को इस चार दिन में शिक्षाओं के क्षेत्र में आ रही हर प्रकार की परेशानियों से निजात मिल सकते हैं, जिसके कारण आप खुद को तनाव मुक्त रखने के लिए साथ साथ जिसके कारण भी आप खुद को तनाव मुक्त रखने के साथ साथ आपको तरोताजा महसूस कर सकते हैं। ऐसे में आपको समय का लाभ उठाते हुए अपनी पढ़ाई के अलावा कुछ समय शारीरिक गतिविधियों को भी देने का प्रयास करें। भगवान लक्ष्मी नारायण को हल्दी और कच्चे चावल का भोग लगाएं। आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन आ सकते हैं। प्रेम का आधार महसूस करने के लिए ये चार दिन आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। संभावना है इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात किसी पार्टी में हो जाए। ऐसे में आपको किसी पार्टी में जाते समय अच्छे बन ठान कर जाना होगा ताकि आप दूसरों को अपनी ओर आकर्षित बन करें, आकर्षक भविष्य से अपनी ओर प्रभावित करने में सफल हो सके। ऐसा लगता है कि चार दिन आपने जीवन साथी के साथ अच्छा समय व्यतीत कर लिए अपने बहुत सा धन खर्च कर सकते हैं। बावजूद भी इसके आप इस वक्त का पूरा लुप्त उठाने पाने में सक्षम हो सकते हैं। इसके आपको साथ ही शुद्ध जीवन में कुछ अच्छे फलों की प्राप्ति हो सकती है। आपको अनेक प्रकार के लाभ भी मिल सकते हैं। प्यार एक सहानुभूति आशीर्वाद निष्ठाएं जैसी संक्रात्मक भावनाओं को अपनाने के लिए खुद को प्रोत्साहित करना होगा। एक बार ये गुण आपके अंदर चुभ जाएं तो हालात में खुद को असंक्रात्मक तरीके से उभर पाएंगे। दिन चढ़ने पर वैतनीय तौर पर सुधार दिखेगा तो आप दौरे की कमी देखी जाएंगी, इसलिए संयम रखें क्योंकि आपके दल की आसपास के लोगों को दुखी कर सकते हैं। अपने आसपास में प्रेम के बारे में इधर उधर ज़्यादा बातें न करें। नए विचार फायदेमंद साबित होंगे। यात्राओं के दौरान नई जगहों को जानेंगे, महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकातें होंगे। रिश्तेदार अचानक से आपके घर आ सकते हैं, जिसके चलते आपकी योजनाएँ गड़बड़ा सकती हैं। अनेक प्रकार के लाभ भी जरूर मिल सकते हैं। सेहत बढ़िया रह सकते हैं। दिन चढ़ने पर वैतनीय तौर पर सुधार दिख सकता है। आपको ऐसे जगह में संकलन होने की जरूरत होंगे जहां आपको अपने समान रुचियों के लोगों से मिलने का एक मौका मिल जाता हो। अगर आप अपने प्रेमी के साथ कहीं बाहर जाते हैं, घूमने जा रहे हैं, तो कपड़े सोच समझ कर पहने। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका प्रेमी आपसे नाराज हो सकते हैं। पैसों पर क्षमताओं को बढ़ा चढ़ाकर आप करियर में नए दरवाजे को खोल सकते हैं। अपने क्षेत्रों में आपको अपार सफलता मिलने की संभावना मिल सकते हैं। अपनी सभी क्षमताओं को निखार कर और उससे बेहतर बनने की अवश्य कोशिश करें, क्योंकि आगे बढ़ने से आपको मान सम्मान मिलेंगे, बेहतर चाचों में बढ़ते होंगे। यह चार दिन बेहतर होने वाला